दोस्तों इस वीडियो में हम रिपेयर करना सीखेंगे बोट कंपनी के इन एयरडॉप्स को। यहाँ पर आज मेरे पास ये एक बोट कंपनी का एयरडॉप्स रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसमें ये फॉल्ट है कि ये राइट साइड वाला एयरडॉप ऑन नहीं हो पा रहा है। तो अब इसमें क्या फॉल्ट है, ये चार्ज नहीं हो पा रहा या कोई और वजह है, ये चीज तो हमें इसको खोलने के बाद ही पता चलेगी। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इसको कैसे चेक करें और कैसे रिपेयर करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिलती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक अटैक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, इसमें राइट साइड वाला एयरडॉप ऑन नहीं हो रहा है। तो इस केस में सबसे पहले तो हमें इन चार्जिंग पॉइंट को क्लीन करके देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इन चार्जिंग पॉइंट पर रस्ट लगने से या गंदगी जमा होने से ये चार्जिंग केस के पॉइंटों से ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसके लिए हम इन पॉइंट को किसी भी नुकीली चीज से साफ करेंगे और उसके बाद फिर से चेक करेंगे। नहीं दोस्तों, ये अभी भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो चलिए हम इसको खोलकर चेक करते हैं। दोस्तों मोस्टली सभी एयरडॉप्स बॉटम और टॉप दोनों साइड से ओपन होते हैं, तो इस वाले एयरडॉप को भी हम पूरी तरह से ओपन करेंगे ताकि आप हर तरह के फॉल्ट को इजीली रिपेयर कर पाएं। ये देखिए, इसके टॉप साइड में यहाँ पर ये लगा हुआ इसका स्पीकर और ये है बैटरी, और ये जो आप पीछे की साइड में देख रहे हैं ये है इसका मेन सर्किट बोर्ड। ये बॉटम साइड से बाहर निकलेगा, लेकिन इसके लिए पहले हमें स्पीकर और बैटरी के कनेक्शन हटाने होंगे। ये है इसकी बैटरी, ये 3.7 वोल्ट 40 mAh की है। चलिए इसको अभी साइड में रख देते हैं। ये देखिए, इस तरह ये पीसीबी बाहर निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। ये है इसके चार्जिंग पॉइंट, ये यहाँ पर है माइक और एलईडी जिनसे हमें चार्जिंग और इसकी वर्किंग का पता चलता है, और इसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है एक स्विच। अगर इसके कनेक्शन की बात करें तो ये ग्रीन और व्हाइट इसके स्पीकर के कनेक्शन है और ये रेड और ब्लैक बैटरी के कनेक्शन है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा ये एयरडॉप ऑन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसकी बैटरी की ही वोल्टेज चेक करेंगे कि उसमें वोल्टेज है या नहीं। इसके लिए हम मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर रखकर बैटरी के इन दोनों पॉइंट पर वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3.8 वोल्ट है, तो इसका मतलब है ये बैटरी तो पूरी तरह से चार्ज है। तो आगे की टेस्टिंग के लिए सबसे पहले तो हम इस बैटरी को सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों बैटरी कनेक्ट करते वक्त हमेशा आप नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान जरूर रखें। अगर गलती से भी कनेक्शन उल्टे हो गए तो ये सर्किट एक सेकेंड में खराब हो जाएगा। अब इसका चार्जिंग सर्किट प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, ये देखने के लिए हम इसके चार्जिंग पॉइंट पर अलग से सप्लाई देकर देखेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि इसकी चार्जिंग एलईडी ग्लो हो रही है या नहीं। इसके लिए हम 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक की सप्लाई इन चार्जिंग पॉइंट पर दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान जरूर रखना है। यहाँ पर दोस्तों हम अलग से सप्लाई देने के लिए इस लिथियम बैटरी का यूज करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने सप्लाई कनेक्ट की ये एयरडॉप सीधे ही सर्चिंग मोड पे आ गया। ऐसे ही तब होता है जब चार्जिंग केस से हम इसको बाहर निकालते हैं। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि एयरडॉप ठीक है, प्रॉब्लम इसके चार्जिंग केस में है। दोस्तों वैसे तो इसको टेस्ट करने का सीधा तरीका भी था कि हम इसको बिना खोले ही सप्लाई देकर इसको चेक कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी हर वीडियो में आपको किसी भी प्रोडक्ट को रिपेयर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, इसलिए मैंने आपको इस एयरडॉप को पूरा ओपन करके दिखाया है। तो चलिए अब मैं इस एयरडॉप को जल्दी से बंद कर देता हूँ और फिर चेक करते हैं इस चार्जिंग केस में क्या प्रॉब्लम है। तो अब हम खोलते हैं इस चार्जिंग केस को। इसके लिए आपको एक इस तरह के ओपनिंग टूल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी स्टेनलेस स्टील की पत्ती यूज कर सकते हैं, लाइक स्टील का रूलर या स्टील की स्पून होती है, उसको भी आगे से आप घिस के उसको थोड़ा सा पैना कर लें तो उससे भी ये टूल आप बना सकते हैं। और अगर आप इस टूल को बाय करना चाहते हैं तो उसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ओके, ये देखिए, अब ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बाहर आ गया है। ये है इसकी बैटरी, 3.7 वोल्ट 400 mAh की है।
ये इसके नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्शन है। इसकी अगर हम वोल्टेज चेक करें तो ये देखिए यहाँ पर 3.9 वोल्ट है, इसका मतलब ये बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। अब देखिए ये वो पॉइंट है जो दूसरी तरफ से एयर डॉप से कनेक्ट होते हैं, तो एक बार इनकी वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए दोस्तों इन दोनों पर 0.5 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी कि लगभग नहीं के बराबर वोल्टेज है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ये सर्किट खराब है। तो जिस हालत में अभी हमारा ये चार्जिंग केस है, इसमें अगर हम एयरडॉप्स को डाल भी देंगे तब भी वो चार्ज होना स्टार्ट नहीं होंगे और सर्चिंग बोर्ड पर ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई वोल्टेज ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज क्यों नहीं है जबकि ये बैटरी तो चार्ज है? ऐसा इसलिए दोस्तों कि बोट के इस वाले मॉडल में यहाँ पर देखिए एक मैग्नेटिक रीड स्विच लगा हुआ है, जो कि इसके ढक्कन में लगी हुई एक मैग्नेट से एक्टिवेट होता है, यानी कि जब हम इसके ढक्कन को बंद करते हैं तब ये एक्टिवेट होता है। और यहाँ पर जो ये सर्किट लगा हुआ है ये एक वोल्टेज बूस्ट सर्किट है, जैसा कि एक पावर बैंक में लगा होता है, जो कि बैटरी की 3.5 वोल्ट को अप करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमारे ये एयरडॉप्स चार्ज होते हैं। तो चलिए मैं इस ढक्कन को अलग करके इस केसिंग के ऊपर रख देता हूं ताकि ये मैग्नेटिक स्विच एक्टिवेट हो जाए। ये देखिए अब यहां पर वोल्टेज आने लगी है, लेकिन ये वोल्टेज 2.3 वोल्ट है, इससे हमारे एयरडॉप्स कैसे चार्ज होंगे, क्योंकि इन एयरडॉप्स को चार्ज होने के लिए 5 वोल्ट चाहिए। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि अभी इस सप्लाई पर कोई लोड नहीं है, इसका मतलब ये कि अभी हमने इसमें एयरडॉप्स डाले हुए नहीं है, ये सिर्फ एक स्टैंड बाई वोल्टेज है जो कि बैटरी से आ रही है, और हमारा ये जो बूस्ट सर्किट है ये अभी ऑन नहीं है। जैसे ही ये इन दोनों पिनों पर थोड़ा सा भी लोड सेंस करेगा तो ये बूस्ट सर्किट ऑन हो जाएगा और यहाँ पर 5 वोल्ट देने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि ये जो बूस्ट सर्किट है ये अपने आप में भी काफी वोल्टेज खर्च करता है, तो ये अगर कंटिन्यू ऑन रहेगा तो जब इस चार्जिंग केस में बड्स नहीं डले होंगे तब भी ये वोल्टेज को खर्च करता रहेगा और इसकी बैटरी बिना यूज के भी जल्दी ड्रेन हो जाएगी। इसीलिए प्रोविजन बनाया गया है कि जब इसमें कोई सा भी एयरबड्स नहीं डला होगा तो उस समय सर्किट शट डाउन पोजिशन में रहेगा, भले ही हमने ढक्कन को बंद कर दिया हो तब भी। ओके दोस्तों ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब वो काम भी कर लेते हैं जिसके लिए हमने इस चार्जिंग केस को खोला था। इसके लिए आप सैंड पेपर का ही यूज करें, क्योंकि अगर आप फाइल से इन दोनों पॉइंट को घिसेंगे तो ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट होने से सर्किट खराब हो सकता है। ओके तो अब हम इसमें ये दोनों एयरडॉप डाल देते हैं और देखते हैं क्या अब ये ऑन होते हैं। ये देखिए दोस्तों अभी राइट वाला तो ऑन हो गया और ये सेकंड वाला, अभी हम एक सेकंड वेट करते हैं। ये देखिए अब ये दूसरा भी सर्चिंग मोड पे आ गया है, लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं ये दोनों ही सर्चिंग मोड पर हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये दोनों सर्चिंग मोड पर होते हैं लेकिन उसके बाद एक एयरडॉप दूसरे एयरडॉप से पेयर हो जाता है और एक ही एयरडॉप है जो सर्चिंग मोड पर रहता है, जो कि फिर हमारे फोन से कनेक्ट होता है। तो इसके लिए हम इन दोनों को वापस केसिंग में डाल देते हैं और 2 सेकंड वेट करने के बाद फिर से वापस बाहर निकालते हैं। ये देखिए अभी राइट वाला सर्चिंग पर है और अब लेफ्ट वाला भी सर्चिंग पर आ गया, लेकिन राइट वाले को आप देखिए ये वाला कनेक्ट हो गया है लेफ्ट वाले से। इसका कैसे पता चलेगा? देखिए ये लेफ्ट वाला सर्चिंग मोड पर है लेकिन राइट वाला थोड़ी थोड़ी देर में ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है ये लेफ्ट वाले से पेयर हो चुका है। अब हम इसको अपने फोन पे सर्च करके देखते हैं। ये देखिए मैंने पहले से ही सर्च किया था तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, एयरडॉप्स 131। ओके अब ये देखिए मैं इनका साउंड आपको एक बार सुना के दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इन एयरडॉप्स के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दे सकूं। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक तो कर ही दीजिएगा, लेकिन अगर अच्छी नहीं लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई मेरी आने वाली वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। अच्छा दोस्तों अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।